इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.8 के पहले 7 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इस लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने देखा कि क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं उनमें हमने फॉर्मूला यूज किया सम ऑफ सीरीज का, एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर एन ओवर वन माइनस आर, जब हमारे पास r की वैल्यू लेस देन 1 थी। और जब हमारे पास r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी तब हमने फॉर्मूला यूज किया एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर रेज टू पार एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। और जब हमारे पास r की वैल्यू लेस देन 1 थी और हमने सम फाइंड करना था अप टू इन्फिनिट टर्म्स, तो हमने फॉर्मूला यूज किया एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए वन ओवर वन माइनस आर। इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ वाई इज इक्वल टू एक्स बाय टू प्लस 1/4 x स्क्वायर प्लस 1/8 x क्यूब एंड सो ऑन, देन प्रूव दैट x इज इक्वल टू 2y ओवर 1 प्लस y। हमारे पास एक सीरीज दी गई है, इन्फिनिट सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, y इज इक्वल टू x बाय टू प्लस 1/4 x स्क्वायर प्लस 1/8 x क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अगर हम इस सीरीज का सम फाइंड करें अप टू इन्फिनिट टर्म्स, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a वन ओवर वन माइनस आर। यहां पे इसका मतलब ये है कि इसका जो इन्फिनिट टर्म्स तक सम है वो y के इक्वल है, तो हम इसका इन्फिनिट टर्म्स तक सम फाइंड कर लेते हैं जो कि y के इक्वल होगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास है x बाय टू, कॉमन रेशियो r हम फाइंड कर लेते हैं जो कि होगी 1/4 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x बाय टू। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा x बाय टू, ये टू कैंसिल होके टू टू आर फोर, एक्स की एक पावर यहां पे आ जाएगी, x बाय टू आ गया। अब हम इन्फिनिट टर्म्स तक सम फाइंड कर लें, तो s इन्फिनिट इज इक्वल टू a वन ओवर वन माइनस आर। इस फॉर्मूला में अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, a वन की जगह पे फर्स्ट टर्म इज x बाय टू डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स बाय टू। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा x ओवर टू माइनस एक्स, जो कि इन्फिनिट टर्म्स तक सम है इस सीरीज का, जो कि हमारे पास y के इक्वल है। सो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं के y इज इक्वल टू x ओवर टू माइनस एक्स। टू माइनस एक्स को अगर y से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा y इंटू टू माइनस एक्स इज इक्वल टू x, और टू वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, टू वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, जो हो जाएगा एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू टू वाई। यहां से हम एक्स कॉमन ले लें तो ये जाएगा एक्स इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल टू टू वाई, और एक्स इज इक्वल टू 2y ओवर 1 प्लस वाई, यही हमने
प्रूव करना था. एक सीरीज दी गई थी y इज इक्वल टू एक्स ओवर टू प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एट एक्स क्यू प्लस वन अप टू इन्फिनिटी, और हमने प्रूव करना था कि x इज इक्वल टू टू वाई ओवर वन प्लस वाई. इसका जो इन्फिनिट टर्म्स तक सम है वो उसने हमें बता दिया कि y के इक्वल है. सबसे पहले हमने इसका इन्फिनिट टर्म्स तक सम फाइंड किया बाई यूजिंग सम ऑफ सीरीज फार्मूला. जो हमारे पास रिजल्ट आया वो y के इक्वल पुट कर दिया, और वहाँ से सिंपल मैथमेटिक को यूज़ करते हुए हमने प्रूव कर दिया x इज इक्वल टू टू वाई ओवर वन प्लस वाई. यही हमने प्रूव करना था. देन इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 27 मीटर्स एंड इट रिबाउंड्स टू थर्ड ऑफ डिस्टेंस इट फॉल्स. इफ इट कॉन्टिन्यूज टू फॉल इन द सेम वे वॉट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट. एक बॉल है जो कि 27 मीटर बुलंदी से गिराई जाती है, और वो नीचे आने के बाद टू थर्ड ऑफ डिस्टेंस जो है वो ऊपर आती है, और सिमिलरली इसी तरीके से वो कंटिन्यू करती है. हमने बताना है कि रेस्ट जाने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. हमारे पास फर्स्ट डिस्टेंस जो है वो हाइट जो है वो 27 है, उसके बाद टू थर्ड ऑफ 27, 27 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, और ये रीबाउंड्स करती है, एक दफ़ा नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, मतलब कि टू टाइम्स इसका डिस्टेंस कवर होगा. सिमिलरली थर्ड टाइम 2 × 27 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 एंड सो ऑन. तो यहाँ से हमारे पास टर्म्स आ गई एक सीरीज की. हमने सम फाइंड करना है कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी. ये इन्फिनिटी तक कंटिन्यू करेगा जब तक कि हमारे पास बॉल जो है वो रेस्ट में नहीं आ जाती. तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 27 प्लस 2 × इसको सॉल्व करने की हमारे पास हो जाएगा 18 प्लस, इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 12, नेक्स्ट टर्म विल बी 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. 27 वैसे ही आ गया प्लस 2, ये हमारे पास एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूला लगा के a ओवर 1 माइनस r. a हमारे पास है 18 और r हम फाइंड कर लेते हैं, r हमारे पास होगा 12 ओवर 18 विच इज 2/3, 1 माइनस 2/3 तो हो जाएगा 27 प्लस 2 × 18 ओवर 3 माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू 27 प्लस 2 × 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 27 प्लस 2 × 54 और 27 प्लस 108 विच इज 135 मीटर. सो 135 मीटर्स डिस्टेंस कवर करेगी एक बॉल जब तक कि वो रेस्ट में नहीं आ जाती. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस सो ऑन, शो दैट x इज इक्वल टू y माइनस 1/2y. हमारे पास एक सीरीज दी गई है सम ऑफ सीरीज अप टू इन्फिनिटी, y के इक्वल है, हमने शो करना है x इज इक्वल टू y माइनस 1/2y. y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस
4x square plus 8x cube plus so on. ये हमारे पास एक सीरीज है जो कि इन्फिनिट तक कंटिन्यू करती है. इस सीरीज का अगर मैं इन्फिनिट टर्म्स तक सम फाइंड कर लूँ तो वो y के इक्वल होगा. सो y विल बी, इस सीरीज के लिए हम सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, s इन्फिनिटी जो कि हमारे पास होता है ए वन ओवर वन माइनस आर. वाई विल इक्वल टू ए वन हमारे पास है वन ओवर वन माइनस आर टू एक्स. इस वन माइनस टू एक्स को y के साथ मल्टीप्लाई कर रहे तो ये हो जाएगा y इंटू वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू वन. y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो y माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू वन और टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वन. इस वन को इस साइड पे ले आए, टू एक्स वाई को इस साइड पे ले आए एंड x इज इक्वल टू y माइनस वन ओवर टू वाई. यही हमने प्रूव करना था. इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एक वेरिएबल दिया गया है उसके इक्वल एक सीरीज है, उस सीरीज का हम सम कर लेंगे इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स तक और उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स से हम वो चीज़ प्रूव कर देंगे जो हमने करनी होगी. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके का क्वेश्चन नंबर 12 था. इफ y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स बाय टू प्लस एक्स स्क्वेयर बाय फोर प्लस सो ऑन, शो दैट x इज इक्वल टू टू इंटू y माइनस वन ओवर y. जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि एक सीरीज के इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स के सम के इक्वल है. y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स बाय टू प्लस एक्स स्क्वेयर बाय फोर प्लस सो ऑन. हम इस सीरीज का इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स तक सम फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग सम ऑफ सीरीज फॉर्मूला. तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज वन ओवर वन माइनस कॉमन डिफरेंस इज x बाय टू. सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू टू ओवर टू माइनस x. इस टू माइनस x को y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, y इंटू टू माइनस x इज इक्वल टू टू और टू वाई माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स वाई इज इक्वल टू टू वाई माइनस टू एंड एक्स इज इक्वल टू टू इंटू वाई माइनस वन ओवर वाई. यही हमने प्रूव करना था.